शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदनवन थाना अंतर्गत आने वाले हेवरी नगर में एक पति ने अपने पत्नी की सब्जी काटने वाले चाकू से वार कर हत्या कर दी है। खबर मिलते ही नंदनवन पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शहर में एक और कोरोना वायरस से लोगों की मृत्यु हो रही है, तो वहीं शहर में लॉकडाउन के चलते हत्याएं भी हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेवरी नगर में रहने वाले एक पति और पत्नी की, जिनमें किसी अज्ञात कारण को लेकर झगड़ा हुआ। तभी तेज में आकर पति विशाल भुजाड़े ने अपनी पत्नी 29 वर्षीय श्रुति भुजाड़े पर सब्जी काटने वाले चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। श्रुति चिल्लाने से उसकी 5 वर्षीय बेटी ने अपने चाचा को आपबीती सुनाई, जिसके चलते चाचा ने नंदनवन थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। नंदनवन थाने को शिकायत मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मृत पत्नी का शव मेडिकल को भेजा गया है। आरोपी विशाल भुजाड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है। सदर हत्या ही पति पत्नी मधील वादावरून झालेली आहे। दिनांक 12/5/20 रात्री 3:30 वाजताच्या सुमारास कंट्रोलून माहिती मिळाली की हिरवी नगर भागामध्ये एक महिलेचा चाकू मारलेला आहे। तरी सदर माहिती ही वरून आम्ही घटनास्थळी गेलो असता त्या ठिकाणी माहिती पडली की सदर पती पत्नीचा वाद असून त्यामध्ये पतीने पत्नीला किचनमधील घरगुती वापरातील चाकूने गळ्यावर वार केला होता। त्यामुळे पत्नी ओरडल्याने तिची 5 वर्षाची मुलगी उठली आणि ती पण ओरडली आणि तिच्या काकांना बोलवून आणले। त्यामुळे त्यांच्या काकांनी सदर माहिती 100 नंबरवर फोन करून कंट्रोलला दिली। त्या माहितीवरून आम्ही घटनास्थळी गेलो होतो। त्या ठिकाणी गेल्याच्यानंतर सदर महिला एक किचनमध्ये रक्ताच्या थाळ्यात पडली होती आणि त्या ठिकाणी एक घरगुती वापरातला किचनमधला चाकू पडला होता तुटलेल्या अवस्थेमध्ये। सदर स्टाफसोबत जाऊन सदर महिलेचे प्रेत हे PM करता मेडिकल कॉलेज येथे पाठवण्यात आले आणि सदर घटनास्थळ कारवाई करून व पोस्ट येथे गुन्हा दाखल केलेला आहे। पुढील कारवाई करण्याची तजवीज ठेवली आहे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरा कड़े के साथ संजय मीरे की रिपोर्ट इन बीसीएन न्यूज नागपुर।